गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आर यू स्टडिंग एट योर होम्स? वेरी गुड. सो दिस इज आवर मैथ्स पीरियड. सो ओपन दिस बुक, मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ 1. अंडरस्टूड? नाउ ओपन दिस बुक, मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ. ओपन. Very good. Now come to page number 13. Look at this. 13. Page number 13. All of you open the page number. Shall I start? So today our topic is SAME. Same. SAME, same, and DIFFERENT, 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 different. सेम से आप लोग क्या समझते हैं? सेम वर्ड से, सेम का मतलब होता है एक जैसी. क्या होता है सेम का मतलब? एक जैसी. और डिफरेंट, अलग अलग. डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग. जैसे हमारे घर में इतने सारे हम पीपल रहते हैं, सब डिफरेंट हाइट के होते हैं, सब डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के होते हैं, सब अपने अलग अलग तरीके से होते हैं. जैसे आप छोटे हो, आपके पापा बड़े हैं, आपके ग्रैंडफादर होंगे तो ग्रैंडफादर उनसे भी बड़े हैं, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट पीपल. लाइक यू आर अ बॉय, योर सिस्टर इज अ गर्ल, तो यू बोथ आर डिफरेंट. तो आप दोनों अलग अलग हैं. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एस ए एम ई, सेम. एस ए एम ई, सेम. एंड देन DIFFERENT, DIFFERENT. What is this? Different. Now repeat it with me only. SAME, same. SAME, same. Very good. Now repeat this also. D I F F E R E N T. Different. What is this? Different. तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? Same का मतलब, same means जो चीजें एक जैसी होती हैं, ठीक है? और different का मतलब जो चीजें अलग अलग होती हैं. तो सो लेट अस स्टडी विथ सम एग्जाम्पल्स. आई विल एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक विथ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट इजिली. ओके, नाउ लुक एट दिस बॉटल एंड दिस बॉटल. बोथ आर डिफरेंट. वाई? बिकॉज इट इज बिगर इन साइज एंड इट इज स्मॉलर इन साइज. इट इज स्मॉलर देन दिस ना, सो दे बोथ आर डिफरेंट. कैसे? ये देखिए, ये बड़ी बॉटल है, इसकी हाइट बड़ी है और इसकी हाइट इससे छोटी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं. क्या है? अलग अलग हैं ये दोनों. और जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूं. लाइक दिस, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? यस, टेल मी, यू यूज योर दिस थिंग्स इन योर होम्स? नो, your mama cook food with this. What is this? Yes, this is tomato. What is this? Tomato. So they look at these tomatoes, they both are different. Why they are different? Because it's bigger in size and this is smaller in size. What is this? It's bigger in size and it's smaller in size. So they are different, and with this only we can understand that the both of the things are different. Now I will be giving you one more example. Like
लुक एट दीज बॉटल, दीज बॉटल्स बोथ आर सेम इन साइज, माइट बी कलर्स आर डिफरेंट बट द साइजेस आर सेम. सो हमें इससे क्या पता चलता है, ये दोनों बॉटल साइज में तो एक जैसी हैं, साइज में सेम हैं, बट कलर में अलग अलग हैं. कलर, इसका कलर येलो है और इसका कलर पर्पल है. तो हम क्या पता चला हमें इससे कि ये दोनों साइज में सेम हैं बट कलर्स में डिफरेंट है. तो हम एक ही चीज से बता सकते हैं कि द वन इज पर्पल, द वन इज येलो, बट दीज बोथ साइजेस आर सेम बट द कलर क्वालिटी इज डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई दे आर सेम ऑल्सो एंड डिफरेंट ऑल्सो इन बोथ दी वेज. इन कलरिंग दे बोथ आर डिफरेंट बट इन साइजेस दे बोथ आर सेम. इनके साइज देखिए आप, दोनों के इक्वल हैं, इनकी ये बराबर हैं एक दूसरे के, तो ये अपने साइज से तो सेम हैं बट कलर क्वालिटी कलर से डिफरेंट. क्यों? क्योंकि ये पर्पल कलर का है और ये येलो कलर का है. तो इससे आप कुछ समझे जो मैंने आज आपको पढ़ाना जा रही हूं टॉपिक. लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज, व्हाट इज दिस, टेल मी स्टूडेंट्स. यस, दिस इज अनियन. एंड व्हाट इज दिस, what is this, what is this, explain, tell me no. yes, potato. we both use these are at homes na, we cook food with them, my mama cook food with them, tasty yummy food, you na. yes, very good. you children are very smart, huh? you know each and everything. aap bahut smart kids hain, aapko sab kuch pata hai ki कि कौन सा अनियन है और कौन सा पोटैटो है. सो इन दोनों को देखकर हम क्या समझते हैं, ये अनियन है, ये पोटैटो है, और ये दोनों अलग अलग हैं. कैसे? ये अनियन है, देखिए इसका कलर देखिए, पर्पल कलर आएगा इसका. एंड दिस इज पोटैटो. इनका टेक्सचर भी अलग है. टेक्सचर किसे बोलते हैं? बाहर की कवरिंग को. किसको? आउटर कवरिंग को. उसको बोलते हैं टेक्सचर. इनका टेक्सचर भी अलग अलग है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों डिफरेंट हैं. ठीक है, और अब आप कुछ समझे कि मैं आपको कौन सा टॉपिक कराने जा रही हूं. यस, दिस टॉपिक इज कॉल्ड सेम एंड डिफरेंट. सो शैल वी मूव फॉरवर्ड. डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग व्हाट आई वॉन्ट टू टीच यू? Yes, students, if you have any problem, tell me. I will explain it again. Tell me. Yes, same means जो चीज एक जैसी दिखती है and different जो चीज अलग अलग होती है. तो इसलिए जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं, आप boy होगे तो आपके sister होगी तो वो girl है, तो आप लोग अलग अलग हैं. और अगर आपका ही friend भाई boy है तो आप दोनों सेम है, बिकॉज यू बोथ आर बॉयज. सो व्हाट यू अंडरस्टूड? दैट सम थिंग्स आर सेम एंड सम आर डिफरेंट. कुछ चीजें सेम होती हैं तो कुछ चीजें अलग अलग भी होती हैं. तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी बात पे है. तो चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको थोड़ी ये एक्सप्लेन करूंगी और अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो यू कैन आस्क मी. ओके बेटा, सो शैल आई मूव फॉरवर्ड. ओके बेटा, नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज नोटबुक. यू राइट इन योर नोटबुक्स? नो. तो व्हाट इज दिस? दिस इज नोटबुक. व्हाट इज दिस? दिस इज, यस, स्पीकर. आई नो यू नो दैट. Yes, it's pencil. Like this. You write it with pencil, no? Yes, I write it with pencil. I point this as this is pencil. So, and what is this? Yes, rubber, eraser. What is this? Eraser or rubber? You use when you did something wrong in your notebook, then you use eraser, no? Like this, eraser. I use eraser if I did something wrong. I did erase it. And what is this? This is pencil.
एंड वॉट इज दिस, दिस इज नॉट बुक, बट वॉट इज दिस, वॉट दिस गर्ल इज शोइंग, ये लड़की हमें क्या दिखा रही है कि ये क्या है, ये क्या है आपको अच्छे से पता है, यू ऑल प्ले विद इट नो, यस इट्स बैट, सो वॉट इज दिस, इट्स बैट, वी प्ले क्रिकेट विद बैट ना, बैट बॉल, यू ऑल लाइक टू प्ले बैट बॉल नो, ऑल द बॉयज यू लाइक नो, ओके सो दिस इज नोटबुक, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, नोटबुक, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, नोटबुक, वॉट इज दिस, पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल, नाउ वॉट इज दिस, इरेजर, ई आर ए एस ई आर, इरेजर, वॉट इज दिस, इरेजर, एंड वॉट इज दिस, वॉट इज दिस, यू नो ऑल, यस वेरी गुड चिल्ड्रेन, दिस इज बैट, बी ए टी बैट, वॉट दे आर रिटन हियर, नाउ स्टडी दिस, हाँ टी, स्पीक विद मी ओनली, टी एच आई एस, वॉट इज दिस, दिस, पुट योर पेंसिल हियर एंड रीड इट विद मी ओनली, आप सब या मेरे साथ पढ़ेंगे ना बेटा, देन ओनली यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड्स, सो रीड इट विद मी, टी एच आई एस, दिस, आई एस एस, डी आई एफ एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट, डी आई डबल एफ E R E N T, different. This is different. What they are saying? ये तो अलग है. क्यों अलग है आप बताइए मुझे. जैसे ये notebook है. ये हम notebook use करते हैं. Pencil हम notebook में use करते हैं. Eraser notebook में use करते हैं. लेकिन bat हम कोई notebook में use करते हैं? No. This is ये तो अलग है बिल्कुल. नोटबुक में हम पेंसिल से लिखते हैं, अगर हमने कुछ गलती कर दी तो हम उसे इरेजर से इरेज करते हैं, लेकिन बैट थोड़ी हम नोटबुक में यूज करते हैं. तो ये क्या बताया इन्होंने कि बैट बिल्कुल अलग है. इसके अंदर क्या सीखा अभी हमने कि बैट अलग है, बिल्कुल बैट अलग है. तो इन्होंने क्या कर दिया, बैट के ऊपर सर्कल. व्हाट दे डिड सर्कल ओवर द बैट. व्हाई, बिकॉज इट्स डिफरेंट. Why it's different? Tell me. I have explained you. Yes, because notebook. We write pencil in with pencil in our notebooks. We use erasers in our notebook, but we don't use bat in our notebook. हम अपनी notebook में pencil से लिखते हैं. कुछ wrong हो जाता है तो उसे eraser से erase करते हैं. But हम bat को अपनी book में use नहीं करते. तो बैट क्या है, सबसे डिफरेंट है. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग, ए सी टी आई वी आई टी वाई, एक्टिविटी, एक्टिविटी नाइन, व्हाट दे आर सेइंग, एक्टिविटी नाइन. नाउ लुक एट दिस, व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन, सी आई आर C L E circle, C I R C L E circle, T H E the, G I double F E R E N T, D I double F E R E N T, different, O N E one. What they are saying? They are saying circle the different one. मतलब जो सबसे अलग होगा, different मतलब अभी मैंने आपको बताया, different means जो बिल्कुल अलग होता है, that doesn't have any similarities, that they are different one. Same are जो एक जैसे होते हैं, different one जो अलग अलग होते हैं. तो ये क्या बोल रहा है,
सर्कल किस पे करो जो डिफरेंट होगा. व्हाट इज दिस, टेल मी टेल मी. यस इट्स ऑरेंज. व्हाट इज दिस, यू नो एवरीबॉडी, यू ईट दीज फ्रूट्स एट योर होम्स, नो. यस दिस इज एप्पल. व्हाट इज दिस, एवरीबॉडी लाइक्स इट, एवरीबॉडी वांट्स टू लिक दिस. What is this? This is ice cream. And last, what is this? This is summer fruit. You all like it very much. Mango, orange, apple, ice cream, mango. तो अब आप मुझे बताइए इसमें से different कौन सा है? Yes, ice cream. तो so circle. आइसक्रीम. वाई? बिकॉज ऑरेंज इज अ फ्रूट, एप्पल इज अ फ्रूट, बट मैंगो इज अ फ्रूट, बट आइसक्रीम इज नॉट अ फ्रूट. ऑरेंज एक फ्रूट है, एप्पल भी एक फ्रूट है, मैंगो भी एक फ्रूट है, बट आइसक्रीम फ्रूट नहीं है. तो सबसे डिफरेंट कौन सी हुई? आइसक्रीम. वेरी गुड. सो I have explained you the topic same and different. Try to revise it at your homes and try to do these two one. Second and third, try to do by yourself. If you face any type of query, you can ask me. Okay? So, try to do this. What is same, what is different. Try to find different one in your second and third. And send it to me. By the 2 p.m. so that I can mark your present. So, goodbye class. Bye-bye.